तो आज का जो टॉपिक से तो मैक्सिमम लोग का कंप्लेंट है कि सर हमारा नल पे जिसको बोलते हैं बिबकॉक, ये तो वॉल मिक्सर हो गया, ये यहाँ पे दिखाओ, ये हो गया तुम्हारा बिबकॉक, ठीक है, लॉन्ग बॉडी बिबकॉक। तो क्या होता है, तो हमारे नल पे सर पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तो क्या मैक्सिमम मतलब जिसके बारे जिसको प्लम्बर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जो तो प्लम्बर है उनको तो पता है, ठीक है, जिसका प्लम्बर में जानकारी नहीं है तो क्या करते हैं, वो फटाक से वो जो बिबकॉक है नहीं तो नॉल है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो वहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमारा जो बिबकॉक है उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे क्या क्या है पता है, वॉशर, फिल्टर और क्या स्पिंडल, ये बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है। तो एक एक चीज को हमको चेक करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे अभी पानी नहीं आ रहा है तो हमारा पहला प्रोसीजर है वहां पे एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है। तो ये जो फिल्टर को पहले चेक करना है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो फिल्टर के अंदर बहुत सारा सैंड जिसको बालू बोलते हैं वो लग जाता है, तो क्या होगा अगर सैंड लग जाएगा तो पानी निकलेगा क्या, निकलेगा, ब्लॉकेज हो जाएगा ना, तो उसको पहले चेक करना है। तो हमको पहले माइंडसेट नहीं करना चाहिए कि ये जो हमारा बिबकॉक है उसको चेंज करेंगे, पहले क्या करेंगे हमारा जो फिल्टर है उसको चेक करेंगे। तो अगर उसमें बालू लगा रहेगा तो उसको पहले चेक करेंगे, उसको अच्छे से सफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं ठीक है या नहीं, इसको घुमाना है ऐसे, देखो ये क्या है, कितना सारा सैंड है, देखो कितना सारा, अगर ये अगर उसके आगे रह जाएगा तो पानी अच्छा से निकलेगा क्या, ओके, सो द वाटर कैन नॉट फ्लो, तो उसको क्या करना है अच्छा से सफाई करना है, ये जो है इसको अच्छा से सफाई करना है। उसके बाद इस बीच में एक वॉशर लगा होता है, देखो ये वाला वॉशर में भी बालू लगा होता है, इसको भी सफाई करना है। अभी उसको सफाई करेंगे, थोड़ा पानी लेके आओ गहीर, देखो इसको थोड़ा अच्छा से सफाई करेंगे, वो वाला ब्रश भी लाओ, हाँ ये जो ब्रश है सिर्फ हमारा ये साफ करने के लिए, नया वाला ब्रश है, ठीक है, चलो सफाई हो गया। अच्छा से सफाई करने के बाद ये वॉशर का भी सफाई करेंगे, इसको पकड़ो, बस ये वाला को थोड़ा भी साफ करेंगे क्योंकि उसमें भी सैंड लगा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिटिंग करेंगे, अभी हमारा पानी अच्छा से निकलेगा, ठीक है, हमारे ऊपर में गेट वाल बंद है इसलिए पानी नहीं आएगा, गेट वाल ऑन करो उसके बाद अच्छे से पानी आएगा, थोड़ा ट्रैक करके दिखाई, हाँ गेट वाल ऑन करना पड़ेगा ना, पानी कनेक्शन तो बंद है, देखो फिर भी पानी निकला, ठीक है, गेट वाल ऑन करने के बाद ये पानी निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, ठीक है, जय गुरुदेव।